11 अक्टूबर के दिन कन्याओं को गलती से भी ना दें एक चीज। भक्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इसके बाद की 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, स्कंद माता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में ऐसा माना गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा की सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इस दौरान मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए सच्चे हृदय से जय माता दी लिखें और मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें और आपकी झोली को खुशियों से भर दें। भक्तों, नवरात्रि का यह महापर्व 9 देवियों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन से हमारे समस्त दुख दर्द दूर होते हैं, जीवन के कष्ट खत्म हो जाते हैं और गृह क्लेश भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष और काल सर्प दोष भी केवल कन्या पूजन से शांत हो सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति को इससे राहत और सुकून मिलता है और घर में खुशियां आने लगती हैं। साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। भक्तों, इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए तैयार हैं। जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं, वर्षा होती है और हरियाली की उत्पत्ति होती है। इससे जीवन सुखमय हो जाता है और किसान के घर में माँ जगदम्बा का आगमन होता है। भक्तों, इस बार का नवरात्रि महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। भक्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार को शुरू होकर और इसका समापन 11 अक्टूबर बुधवार को होगा। ऐसे में 12 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं और मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 12 अक्टूबर गुरुवार को विसर्जन करेंगे। भक्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 यानी कि इस दिन मंगलवार है और नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियां में कन्या पूजन अवश्य ही करें और कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। भक्तों, शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वही 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से और कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती है और कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण शीघ्र ही करती है और माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है तथा सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी की उपासना और व्रत का विशेष महत्व होता है, लेकिन सबसे अधिक महत्व कन्या पूजन को दिया जाता है। कन्या रानी को फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक और पवित्र माना जाता है। कन्या पूजन का महत्व सर्वोपरि है क्योंकि कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णो के 9 रूपों का वास होता है। वास्तव में समस्त ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता कन्याओं के मस्तक पर विराजमान होते हैं। चाहे कन्या छोटी हो या बड़ी, वह सदा पूजनीय है और माँ के समान मानी जाती है। भक्तों के अनुसार माता रानी व्रत और उपासना से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी की कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि के अवसर पर छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है और उनके प्रसन्न होने पर आशीर्वाद मांगा जाता है।
उन्हें खुश करने के लिए उपहार और भेंटे दी जाती हैं, और यदि कन्याएं उन्हें खुशी से स्वीकार कर लें, तो माना जाता है कि स्वयं माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। भक्तों, कन्याओं को प्रसन्न करना माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सरल और प्रभावी तरीका माना गया है। कन्या पूजन को कोई साधारण पूजा नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण पूजा माना जाता है। कहते हैं कि 10 बार गंगा स्नान करने, 100 यज्ञ करने और 1000 तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन से करोड़ों गुना प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे समस्त ब्रह्मांड प्रभावित होता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए उतनी कम होती है। नवरात्रि में 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना बहुत शुभ माना जाता है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ होता है और इसे कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस दिन जितनी अधिक कन्याओं को पूजा जाए उतना ही अधिक शुभ माना जाता है। तो भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि इस चैनल शर्मा स्टोरी नंबर 1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। भक्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर आवश्यक धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए और उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं को थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें। मित्रों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडन हो सकता है और माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंड कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। मित्रों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। मित्रों, ऐसा खाना खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई पीड़ा नहीं है तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर शारदीय नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए, जिससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है।
घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए और हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। मित्रों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पर किया जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी नौ देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। इसमें घोर पाप लगेगा और आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है और आपको श्राप दे सकती है, इसीलिए नादान ना बने। मित्रों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है और इन नौ दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, जिससे आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। भक्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें? कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डाले, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान कर करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना या कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। मित्रों, याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा और राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। मित्रों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में सच्चे दिल से प्रार्थना करें। सच्चे मन से मांगी गई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। सच्चे दिल का मतलब होता है कि मन में कोई लालच न हो। यदि वह लालच केवल माता को पाने के लिए है तो उसे सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति कहा जाता है। ऐसी भक्ति के आगे 33 कोटि देवी देवता भी आपको नमस्कार करते हैं। भक्तों, नवरात्रि के दौरान जब आप अगरबत्ती या गोबर के कंडे जलाते हैं या जो भी सामग्री माता रानी के लिए जलाते हैं तो उस प्रक्रिया के अंत में भस्म बनती है। अब सवाल आता है कि इस भस्म का क्या करना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए संजोकर रखना चाहिए, चाहे वह अगरबत्ती की भस्म हो या गोबर के कंडे की। यदि भस्म ज्यादा हो तो आप इसे नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में भस्म जरूर अपने पास रखनी चाहिए। भस्म के फायदे अनगिनत हैं। इसे संजोकर रखने के साथ साथ इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो और आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़े तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस भस्म को सेवन करें।
इसका असर यह होगा कि आपकी सोचने की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने आसपास के लोगों से कई गुना अधिक सोचने लगेंगे। इसके अलावा जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता पाने की संभावना बढ़ जाएगी। मित्रों, भस्म बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यदि छोटे बच्चों को नजर लग जाती है तो माता रानी की भस्म का थोड़ा सा तिलक उनके माथे पर लगाएं। अगर बच्चे के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है तो उस स्थान पर भस्म को अच्छी तरह से रगड़ दें। सिर दर्द या पेट दर्द जैसी समस्याओं में भी भस्म का इस्तेमाल कारगर साबित होता है। इसे लगाने से प्रेत बाधाएं भी दूर होती हैं। इसके अलावा बच्चों को प्रतिदिन भस्म का तिलक लगाने से उनकी पढ़ाई में रुचि और ध्यान केंद्रित होगा। यदि किसी की बुद्धि स्थिर नहीं है या कोई व्यक्ति आपकी किस्मत को बांधने का प्रयास कर रहा है तो यह भस्म आपके सभी संकटों को दूर करने में सहायक होगी। मित्रों, यदि आप इस भस्म का प्रतिदिन तिलक लगाते हैं तो यह आपके लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। आप जहां भी जाएंगे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे और जब तक यह तिलक आपके माथे पर लगा रहेगा कोई भी आपके बाल बांका नहीं कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करने का प्रयास भी करेगा तो वह विफल हो जाएगा। जय माता दी। तो भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और यदि इस चैनल शर्मा स्टोरी नंबर 1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।